पिंक सिटी जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर अपने समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जयपुर के जल महल, आमेर, नाहरगढ़, हवा महल राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेरोज नमूने हैं। इसी जयपुर से 118 किलोमीटर की दूरी पर है भूटों की नगरी माने जाने वाले भानगढ़। पंद्रह सौ शताब्दी के आसपास भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। किला बसावट के 300 सालों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया था। भानगढ़ का किला चारदीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ बनवाई गई दो मंजिले दुकानों के खंडर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे आहतों से घिरा तीन मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ कुछ ऐसी हरकतें होती है जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते। वहीं भानगढ़ को एशिया के सबसे डरावनी जगह में से एक माना जाता है। कुछ लोग भानगढ़ के किले को भूटहा कहते हैं, तो कोई लोग इस जगह को खतरनाक बताते हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये श्रापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लोगों का ये भी मानना है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी। उसी राज्य में एक सिंधिया तांत्रिक था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसीलिए तांत्रिक ने राजकुमार की श्रृंगार के इत्र को सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से यह इत्र एक चट्टान पर गिरा, तो वो चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक मरते समय उस नगर एवं राजकुमारी का नाश होने का श्राप दे दिया, इससे ये पूरा नगर ध्वस्त हो गया। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति न रुके। भानगढ़ किला पहली नजर में देखने से ही काफी अजीब और डरावना एहसास पैदा कराता है। कहानियां हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। कहा जाता है कि जो कोई भी आज तक रात में किले के अंदर रहने में कामयाब रहा, वो वहाँ की कहानी बताने लायक नहीं रहा।